हाँ जी बच्चों नमस्कार। हुण बच्चों आपां शुरू करन जा रहे हां फंक्शन। देखो बच्चों आपां तुहानूं मैं दसदा पहले अज बच्चों काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक है। तुहानूं बच्चों प्लस टू च भी बड़ा काम आना है फंक्शन। ठीक है फंक्शन पढ़ांगे तो बच्चों आपां पढ़ांगे कुछ इहदे ग्राफ्स भी नाल। ठीक है हुण बच्चों एक गल सुनो असी पहले देखो असी देखो असी पहले दो सैट ले सी ए एंड बी। बच्चों बिल्कुल ठीक शाबाश। बच्चों फिर ले आप इन्हां दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ठीक है ये भी ठीक है। हुण सानूं पता भी असी फिर लिया इहदा एक सबसैट कोई भी लै लो सबसैट। फिर आपने कहा भी एनी सबसैट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये बच्चों तुसी पिछले लैक्चर पढ़ चुके हो सारा देख चुके हो। ठीक है हुण देखो बड़ी सिंपल जी गल है मैं तुहानूं गल दसदा कि मान लो ऑर्डर ऑफ सपोज करो ए दा बच्चो मान लो थ्री ऑर्डर है बच्चो ऑर्डर ऑफ बी मान लो टू है। ठीक है जी तो देयर फोर तुहानूं बच्चो पता प्यारे बच्चो पी ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी का ऑर्डर किन्ना आना हुण तुहानूं पता। हाँ शाबाश ऑर्डर ऑफ ए तुसी पहले ही ये सारा पढ़ चुके हो। ठीक है तो बच्चों ये आ गया देयर फोर ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी इट इज़ इक्वल टू थ्री इंटू टू इट इज़ इक्वल टू सिक्स। हुण सानू पता देखो इहदा मतलब है भी जे कोई सैट है उहदे विच बच्चों तीन एलीमेंट है। बच्चों जे सैट बी है उहदे विच मान लो दो एलीमेंट है तो बच्चों ए क्रॉस बी च छे एलीमेंट आ जाने ये थानू पता। हुण असली गल क्या है भी ए क्रॉस बी का कोई भी सबसैट ए क्रॉस बी का कोई भी सबसैट बच्चों ओ रिलेशन होता क्या होता रिलेशन। तो ठीक है क्लीयर तो सानू पता भी देयर फोर असी एक क्वेश्चन भी किया लास्ट टाइम नंबर ऑफ सबसैट्स नंबर ऑफ सबसैट्स ऑफ ए क्रॉस बी बच्चों किन्ने आने ये आने टू दी पावर सिक्स। तो बच्चों टू दी पावर सिक्स किन्ना होंदा गिणो शाबाश टू मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय टू टू ते टू ते टू चार दुनी अठ दुनी सोलह बत्ती ते सिक्सटी फोर ये है सिक्सटी फोर। इहदा मतलब बच्चों क्या होया पी फ्रॉम ए टू बी फिर सुन लो बच्चों फ्रॉम ए टू बी क्योंकि देखो ए क्रॉस बी दे नंबर ऑफ सबसेट बच्चों 64 आए तो ये सारे 64 पता क्या है रिलेशंस। देयरफोर देयर एग्जिस्ट 64 रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इन दिस केस। इन दिस केस किन्ने बोलो जी 64 रिलेशंस है बच्चों 64 रिलेशंस। तो बच्चों एक्चुअली क्या है कि इन्हां विचों ही कुछ रिलेशन ने बच्चों फंक्शन बनना सारे रिलेशन बच्चों फंक्शन नहीं होंगे ये याद रखियो पर जड़े फंक्शन होंगे वह होंदा पहले रिलेशन ही है बच्चों ये याद रखियो। ये जड़े 64 आए ना इस केस रिलेशन आए इन्हों बच्चों बच्चों कुछ रिलेशन ने बच्चों फंक्शन बनना हूँ उन्होंने फंक्शन कदों बनना उस वास्ते क्या कंडीशन है वो थोड़ा दसदा। देखो सारे रिलेशन ने बच्चों फंक्शन नहीं बनना सिर्फ कुछ ही रिलेशन ने फंक्शन बनना। हुण आपां इह दसांगे तुहानूं चंगी तरह भी किहड़े रिलेशन फंक्शन बनदे तां किहड़े रिलेशन बच्चों फंक्शन नहीं बनदे। हाँ जी बच्चों हुण पहले आपां देखदे हैं फिगर नाल भी किदां फंक्शन कदों बनदा। ठीक है असी मान लो लैट ए एंड बी भी टू नॉन एम्प्टी सैट्स बच्चों ले लिए अपना टू नॉन एम्प्टी अपना डेफिनेशन बच्चों लिखांगे बाद चो। ठीक है पहले सैट्स है ना पहले आप देखते हैं क्या किदा बनते। ठीक है मान लो बच्चों असी एक सैट ए लिया ए तो एक बच्चों बी लिया। ठीक है बच्चों आप इधर बच्चों ले ए बी सी चलो डी भी ले लें आप। ठीक है जी बच्चों आप इधर वन टू थ्री फोर फाइव तो सिक्स ले हूँ असी मान लो फंक्शन डिफाइन करना है ना क्लीयर। ठीक है फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम ए देखो थोड़ा ये तो पता भी जो फंक्शन उन्हें बनना जो पहले रिलेशन होना। ठीक है
उस देखो सारे रिलेशन फंक्शन नहीं बनते, कुछ रिलेशन फंक्शन बनते, इसका मतलब है कि उन्होंने रिलेशन च कुछ खास गल ताही वो फंक्शन बने। ओके क्लीयर, हुण आपां देखांगे बच्चों उन्होंने रिलेशन च खास गल क्या आई जिहड़े वो रिलेशन फंक्शन बने। ठीक है, क्लीयर। हुण देखो तुहानूं मैं गल दसां बच्चों, सपोज करो असी ना मान लो ए दा रिलेशन मान लो बच्चों बन नाल है। देखो बच्चों भाई गल होर एक भी करी दी भी जिहड़ा ना आपां इह भी कह दिंदे भी ए दा रिलेशन बन नाल, जां आपां कहिंदे बच्चों ए दा जिहड़ा इमेज है ना वह बन है। मान लो जे कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन च इमेज आने के तरीके क्या है। हुण मान लो बच्चों ये मिरर है अपना प्लेन मिरर, तुसी देखिया सारे ने सवेरे जो तैयार होंगे बच्चों तो आप सारे देखते प्लेन मिरर उसे आप देखते अपने क्या जो भी है फेस देखिए आप कोम करीदा। ठीक है, हुण देखो क्या करते बच्चों ये प्लेन मिरर है। हुण देखो बच्चों ए ए दा इमेज बनना है। बच्चों देखो ध्यान नाल, जदों तुसी प्लेन मिरर सामने खड़े होंगे ना, ठीक है, जो थानू मिरर के अंदर नज़र आता बच्चों वो थोड़ा इमेज है। क्लीयर है बच्चों, जड़ा वो तुसी खुद क्या हो बच्चों, तुसी खुद उस इमेज दे प्री इमेज हो। क्लीयर है, लग गया पता। हुण सपोज करो भी मैं सवेरे मिरर मूहरे खड़ा, ठीक है, तो जो मैनू मिरर में नज़र आ रहा ओके वो मेरा इमेज है, तो खुद मैं खुद क्या है, मैं खुद उस इमेज का प्री इमेज है। बच्चों यही हिसाब इधर है बिल्कुल सेम वे नाल पी ए का जो इमेज है ना वो बन है। ओके क्लीयर, ए इधर इमेज है तो जाए कह लो बच्चों बन का प्री इमेज क्या बोलो जी ए है, आप कहे इमेज ऑफ ए, आप बन लिखी था इमेज ऑफ ए इज वन, जाए कह लो बच्चों और वन इज ए इमेज ऑफ ए इज वन, जा कह लो बच्चों क्या बोलो जी ए इज द प्री इमेज, प्री इमेज ऑफ वन। हाँ जी, हुण पता क्या, देखो रिलेशन तो कोई दिक्कत नहीं, ए का रिलेशन वन भी हो सकता टू नाल भी थ्री नाल भी, पर जे बच्चों फंक्शन बनना ना तो देखो ए है ए, हुण इस एलीमेंट का कोई होर इमेज नहीं आना जे इन्हें फंक्शन बनना था। एक खास गल मैं तुम गल दस रहा फंक्शन की, ओके एक ठीक है, रिलेशन के उपर अपा ने कुछ रिलाइया रिस्ट्रिक्शन, ओके और रिस्ट्रिक्शन क्या है ताकि वह रिलेशन बन जाए फंक्शन वो तुम दस लगा। पहली गल है भी जे किसी का इमेज आया है ना बच्चों तो वह इमेज यूनीक आना, कभी भी दो इमेज नहीं आने। हुण देखो ए दे दो इमेज नहीं आने, ओके देखो बड़ी सीधी गल है कि बच्चों जो तुम सवेरे खड़ते हो मिरर च, जे प्लेन मिरर है ठीक ठाक है तो तुम जदों देखते दे हो मिरर च तो थोड़ा बच्चों इमेज एको बनता दो नहीं बनते। ओके क्लीयर, ठीक है ये याद रखियो। दूजी गल बच्चों, अच्छा हुण एक गल पक्की है भी ए का कोई होर इमेज नहीं आना, हाँ ए हो सकता भी बी का इमेज भी बनना जी। हुण बच्चे पुछते देखो जी तुम बोलते प्लेन मिरर है ना, एक दे इमेज दो नहीं आने, अच्छा दोवे इमेज एक कि आ गया देखने वाली गल है, तो बच्चों बड़ी सिंपल जी गल है भी तुम लो मिरर, असी बच्चों भी लिया मिरर है ना, अगे बंदा बच्चों खड़ गया ज्यादा हाइट वाला तो पिछे खड़ गया बच्चों छोटी हाइट वाला। हुण दो दो परसन है उसे बिल्कुल बिहाइंड पिछे खड़ा, ठीक है, पर इन दोनों का जे आप देखा इमेज तो इमेज थोड़ा एकदम नज़र आना कि बोलो जी जिहड़ा जिहदी हाइट बच्चों ज़्यादा है। ओके इतों गल क्लीयर है भी एक दो इमेज तो नहीं हो सकते पर बच्चों दोवां दा एक इमेज हो सकता। ओके ठीक है, अच्छा मान लो सपोज करो बच्चों ए थ्री का इमेज मान लो फोर आ गया, किन्ना बच्चों थ्री का इमेज बच्चों किन्ना आ गया फोर आ गया, ठीक है। अच्छा हुण एक गल होर देखो, एक गल होर है भी रिलेशन च कोई इतने खाली भी रह सकता है रिलेशन के बच्चे, पर बच्चों फंक्शन के केस याद रखियो इधर इधर हरेक एलीमेंट का इमेज आना जरूरी है। हुण देखो ना तुसी सवेरे सवेरे जाओ मिरर मूहरे है ना, मिरर सामने जाओ तो तुसी खड़ो तो थोड़ा अपना इमेज नज़र ना आए फिर तो ये तो कम ही खराब हो गया ना फिर। ओके ठीक है, थोड़ा पता भी इमेज नज़र कि नहीं आते, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, तुम समझ गए हूँ। अच्छा इसका मतलब यह है कि इधर कोई भी एलीमेंट खाली नहीं रहना, हरेक का कोई ना कोई इमेज आने आना। मान लो इसका इमेज मान लो टू आ गया बच्चों, यही दो कंडीशन कह लो जा कह लो रिस्ट्रिक्शन कह लो जिहड़ियां रिलेशन के उपर है ताकि वह फंक्शन बने। बच्चों क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, पहली गल है कि हरेक का एवरी एलीमेंट हैज इमेज, याद रखियो एवरी एलीमेंट हैव इमेज, एक गल क्लीयर है। दूजी गल
ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਦੋ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਓਕੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਕਲੀਅਰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਇੱਕੋ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮੇਜ ਬੱਚੋ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਵਰਲਡ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਵਰਲਡ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਈਚ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੋ, ਈਚ। ਈਚ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਯੂਨੀਕ, ਪਲੱਸ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਯੂਨੀਕ। ਬੱਚੋ ਇਹ ਦੋ ਵਰਲਡ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਇਮੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਨ ਏ ਹੈਵ ਯੂਨੀਕ ਇਮੇਜ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਏ ਹੈਵ ਯੂਨੀਕ ਇਮੇਜ ਇਨ ਬੀ, then that relation becomes function। ਬੱਚੋ ਇਹੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਜੇ ਬੱਚੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਕਿਆ ਹੈ? ਈਚਨੈਸ, ਈਚਨੈਸ। ਬੱਚੋ ਦੂਜਾ ਗੁਣ ਕਿਆ ਹੈ? ਯੂਨੀਕਨੈਸ, ਯੂਨੀਕਨੈਸ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਈਚਨੈਸ ਪਲੱਸ ਯੂਨੀਕਨੈਸ, ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਦੈਨ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਬੱਚੋ ਕਿਆ? ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਰਲਡ ਆਪਣੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਹਿਲਾ ਬੱਚੋ ਈਚ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਯੂਨੀਕ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਫਰੋਮ ਏ ਟੂ ਬੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਏ ਦਾ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਮੇਜ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਉਹ ਸੋਚ ਲਓ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਲਿਖਦੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਵੀ ਈਚਨੈਸ ਜੁੜ ਗਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਬੱਚੋ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਯੂਨੀਕਨੈਸ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਲੱਸ ਈਚਨੈਸ ਪਲੱਸ ਯੂਨੀਕਨੈਸ, ਇਟ ਇਜ਼, ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਲੈਟ ਏ ਐਂਡ ਬੀ ਬੀ ਟੂ ਨੋਨ ਐਮਟੀ ਸੈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਬੱਚੋ ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਐਫ ਨਾਲ ਹੈ, ਦੈਨ ਐਫ ਫਰੋਮ ਏ ਟੂ ਬੀ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚੋ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਫ ਇਟ ਐਸੋਸੀਏਟਸ, ਇਫ ਇਟ ਐਸੋਸੀਏਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਏ ਟੂ ਏ ਯੂਨੀਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਬੀ। ਬੱਚੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਗੱਲ, ਹੈ ਨਾ, ਕਲੀਅਰ? ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਵੀ ਦੈਨ ਐਫ, ਐਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ? ਦੈਨ ਐਫ ਫਰੋਮ ਏ ਟੂ ਬੀ ਇਜ਼ ਸੈਟ ਟੂ ਬੀ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ, ਕਦੋਂ ਬੋਲੋ ਜੀ? ਇਫ ਇਟ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਈਚ, ਆ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਇੱਕ, ਈਚ, ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਏ ਟੂ ਏ ਯੂਨੀਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਬੀ, ਯੂਨੀਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਬੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਐਫ ਨੇ ਬੱਚੋ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਏ ਟੂ ਬੀ, ਜਦੋਂ ਐਫ ਨੇ ਏ ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੀ ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਐਂਡ ਬੀ ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਬੀ ਰਾਈਟ, ਐਫ ਫਰੋਮ ਏ ਟੂ ਬੀ ਕਿਆ ਬੋਲੋ ਜੀ? ਇਜ਼ ਏ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਲਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਡੋਮੇਨ, ਹਾਂ, ਕੋਡੋਮੇਨ
एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। हुण तुसीं बोलोगे भी बच्चों ये तो असीं पहले ही पढ़ लिया, रिलेशन जी भी उहदे भी सीगी डोमेन को डोमेन ते क्या बोलो जी रेंज। तो बच्चों बिल्कुल सही गल है ना, थोड़ा ये पता बच्चो भी फंक्शन भी एक रिलेशन है। एक गल बच्चो नोट कर लो, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन। हाँ, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन, बट एवरी रिलेशन मे नोट बी ए फंक्शन। याद रखियो, ठीक है बच्चो, सारे फंक्शन रिलेशन होंगे पर सारे रिलेशन जरूरी नहीं फंक्शन हो, ठीक है। अच्छा हूँ देखो तो मैं गल समझा पहले चंगी तरह भी कि लिखना आप। देखो असी ना पहले एग्जाम्पल लें बच्चों, मान लो यही लें एग्जाम्पल ए, तो बच्चों ए सट लिया आप बी, ठीक है जी। तो ए बच्चों आप ए बी सी तो डी, 1 2 3 4 5 6 बच्चों ए फंक्शन है एफ फ्रॉम ए टू बी। मान लो ए का इमेज बच्चों मान लो 1 है, ठीक है। मान लो बी का भी बच्चों 1 मान लिया आप, मान लो सी का बच्चों 3 मान लिया तो डी का बच्चों 2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक गल याद रखियो बच्चों, फंक्शन के बिच ना इधर खाली नहीं रहना चाहिए कोई भी, थोड़ा पता इस गल का। हाँ पर इधर खाली रह जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है क्लीयर। हूँ बच्चों पता क्या डोमेन क्या होंगी, तुम देखो फंक्शन वाल, ठीक है। फंक्शन के बिच ए जिन्हों के इमेज आए पूरे पूरी 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 ए, क्योंकि देखो एक्चुअली रिलेशन के बिच कई बार क्या होता था भी ए दे किसी एलीमेंट का इमेज मिस हो जाता था, पर थोड़ा पता है तो फंक्शन है, फंक्शन के बिच ईच बल्ड आ गया भी हरेक का इमेज आना ही आना। ओके तो बच्चों पूरी की पूरी ए ए जी है बच्चों ए डोमेन है, क्या है डोमेन। ओके बच्चों जो पूरी ए बी क्या है, पूरा सेट बी, पूरा सेट बच्चों ए डोमेन है, पूरा सेट बच्चों बी ए क्या है को डोमेन। अच्छा हूँ रेंज क्या है, मैं थोड़ा गल दसदा भी एक्चुअली हुंदा क्या, थोड़ा पता भी इन्हां एलीमेंट्स ने इन्हां नाल बनाना रिलेशन, क्लीयर है ना। ओके ठीक है, तो उस रिलेशन जो दो गल्लां आ गई, एक ईचनेस तो एक क्या बोला यूनिकनेस, तो इट बिकम्स ए फंक्शन, ठीक है। इन्होंने बनाना रिलेशन बच्चों इन्हां नाल, ओके क्लीयर। पर थोड़ा पता सिर्फ इन्हां दी पहुँच 1 2 3 तक ही हुई, ए बी सी सिर्फ 1 2 3 तक ही पहुँच सके, 4 5 6 बच्चों पकड़ च नहीं आए, पकड़ च नहीं आए। तो इन्हां दी रेंज क्या हुई बोलो जी, 1 2 3। अच्छा थोड़ा मैं एक गल दसा बच्चों, समझना होगा ना भी कोडमेन ते रेंज क्या अंतर है। थोड़ा मैं एक गल दसा, सपोज करो भी थोड़ा बच्चों आप दिल्ली के कुतुब मीनार के उपर चढ़ाता, तो चढ़ गए उपर तो उपर, ठीक है। थोड़ा आप एक दिती राइफल है ना, देती बंदूक देती है ना, ठीक है। तो थोनों क्या बच्चों भी देखो क्या दिख रहा, ओके तुसी बड़ी बड़ा दूर तक दिखना, थोनों बहुत दूर तक नज़र आना, ये तो क्लीयर है। ओके हूँ तो बिल्कुल ही थोड़ा पता वातावरण शुद्ध है इस पर, अजकल बड़ी दूर दूर तक नज़र आ जाना, ठीक है। हाँ ठीक है, तो जे बच्चों तुसी उदा फायर करो फायर, ओके थोड़ा फायर कितों तक पुज्या, ओके क्लीयर, ठीक है। तो बच्चों वो थोड़ी रेंज है एक्चुअली, तुम जो उपर खड़े हो कुतुब मीनार के उपर जो थोड़ा दिखाई दे रहा दूर दूर तक, ओके वो थोड़ी बच्चों कोडमेन है, क्या है कोडमेन। पर तुम बच्चों फायर किया थोड़ा, वो फायर कितों तक पुज्या वो थोड़ी उस राइफल की बच्चों रेंज है। हूँ देखो इतने खड़के सानू बच्चों 1 2 3 4 5 6 ये नज़र आते, बिल्कुल नज़र आते, ये साड़ी क्या बोलो जी, हाँ कोडमेन बिल्कुल। तो बच्चों असी कितों तक पुज सके, असी पुज सके सिर्फ बच्चों 1 2 3 तक ही, तो यह साड़ी बच्चों क्या है रेंज है, बस यही फर्क है कोडमेन ते नाले रेंज। ओके जी हाँ जी, देखो बच्चों लेट एफ फ्रॉम ए टू बी बी ए फंक्शन, ले ले बच्चों ठीक है। देन बच्चों डोमेन ऑफ एफ, हाँ ए बच्चों सेट पूरा ए क्या है कोडमेन, बच्चों कोडमेन ऑफ एफ बच्चों कितना जी, ओ कितना बच्चों जी ओ बी है, ओ कितना जी बी है। अच्छा बच्चों एक गल होर दसदा असी कि लिखते, हाँ देखियो
इहदा क्या मतलब है एफ ऑफ ए, देखो ए का इमेज वन है ना, तो आप लिखते बच्चो एफ ओफ ए इक्वल टू वन, बच्चों बी का इमेज कितना वन, एफ ओ बी बच्चों कितना आ गया वन, बच्चों सी का इमेज कितना एफ ओ, इतने लिख लेने बच्चों नीचे आप एफ ओ सी इट इज़ इक्वल टू बच्चों थ्री, तो बच्चों एफ ओ डी इट इज़ इक्वल टू टू। ओके तो तुसी देखो ना ये आ गया देयरफोर रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ बच्चों ए कितनी आई। एक्चुअली दो गल्लां तरीके है, तुसी देखो भी जिहड़े है ना वन टू थ्री ये है क्या है, ये बच्चों ए एलीमेंट ए दे एलीमेंट दे सारे इमेज है, मतलब तुसी इदां करो जिन्ने एलीमेंट ए च है ना उन्हां सारिआं दे बच्चों इमेज इकट्ठे कर लो, क्या इकट्ठे कर लो इमेज, तो आपां इदां लिखांगे इहदे ओ एफ एक्स ओके सच दैट किहड़ा बोलो जी एक्स बिलोंग्स टू ए, मतलब ये देखो ना सुनो मेरी गल, जो आप कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए दैन ये जार रखियो बच्चों दैन एफ एक्स बिलोंग्स टू बी होंगे, एक्चुअली मीनिंग क्या है एक्स बिलोंग्स टू ए है ना, दैन एफ एक्स का मीनिंग क्या है एफ एक्स का बच्चों मीनिंग है इमेज ऑफ एक्स, इमेज ऑफ एक्स तो इमेज ऑफ एक्स बच्चों कितने होना बीच होना, ये गल क्लीयर है। ओके तो बच्चों ए एफ एक्स क्या है बिलोंग्स टू बी, एफ एक्स एक्स का इमेज है ओके हैगा बीच है, तो हूँ देखो एफ एक्स तो एक्स बिलोंग्स टू ए बच्चों एक तरीका यह है। ओके तो मतलब तुसी की कीता सारे एलीमेंट कट्ठे कर ले किहड़े बोलो जी सारे एलीमेंट कट्ठे कर ले किहड़े एलीमेंट कट्ठे कीते बच्चों ए दे एलीमेंट्स दे सारे इमेज, सारे क्या है इमेज। ओके तो बच्चों ये किन्ना आना ए वन टू थ्री आना, तो इट इज़ ऑलवेज सबसेट ऑफ बी, बी क्या बोलो जी कोडमेन, तो देयरफोर बच्चों एक गल याद रखियो रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ एक गल पिछे पढ़ी अपना बच्चों रिलेशन भी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडमेन ऑफ एफ, कोडमेन ऑफ एफ बच्चों एक गल याद रखियो। तुम्हें मैं छोटी गल दसदा फंक्शन दे वास्ते ये क्या जरूरी है, फंक्शन दे वास्ते ये बड़ा जरूरी है भी वो अपने जे फंक्शन है ना फ्रॉम ए टू बी, मैं गल कर रहा फंक्शन दी, आई एम नॉट टाकिंग अबाउट रिलेशन, आई एम जस्ट टाकिंग अबाउट फंक्शन, फंक्शन दी बच्चों एक फंक्शन वास्ते एक गल बड़ी ही जरूरी है भी वो ए दे हरेक एलीमेंट का इमेज देवे, पहली गल देवे भी जुनीक, दूजी गल अच्छा इको दी मजबूरी है वो पता मजबूरी क्या है वो कभी भी देखो ये बड़ी समझाने गल है भी वो कभी भी ए दे एलीमेंट का इमेज कोड मेन तो बाहर जाके नहीं दे सकता, ये जा रखियो कभी भी नहीं हो सकता भी तुसी ए दा इमेज लिया तो पता लग्या भी उसका इमेज कोड मेन तो बाहर है, तो जे बच्चो कोड मेन तो बाहर इमेज आ गया ना तो सोच लो भी वो फिर फंक्शन है ही नहीं, फंक्शन है ही नहीं है, बड़ी बड़ा जरूरी है भी जोड़ा फंक्शन है वो हमेशा जे फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है तो उसके वास्ते जरूरी हो जाता भी वो ए दे हरेक एलीमेंट का बच्चों इमेज देवे नाले यूनीक देवे, हाँ तो कभी भी नहीं हो सकता भी वो किसी भी ए दे एलीमेंट का इमेज बी तो बाहर जाके बी मतलब वो क्या है कोड बेन बाहर जाके वह इमेज देवे पॉसिबल नहीं है, जो इमेज आएगा तो वह वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स के बिचों आएगा इस तो बाहर कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है हाँ जी बच्चों इस केस जो आप देखिए तो हूँ दसो दी मनो देयरफोर डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ हाँ बच्चों पूरा ए, ए क्या बोलो जी ए बी सी ते डी, हाँ जी बिल्कुल बच्चों जे बच्चों देख ए इस केस कोडमेन क्या है कोडमेन ऑफ एफ बच्चों कंप्लीट बी किन्ना बोलो जी वन टू थ्री फोर फाइव ते सिक्स बच्चों कोडमेन तो सब कुछ लै लेना ना जो तुम्हें दिखाई दे रहा बस सामने ओके तो देयरफोर हाँ बच्चों इतने रेंज ऑफ एफ कितनी आई ये दसो शाबाश ये बच्चे बोलेंगे रेंज ऑफ एफ हाँ सिर्फ वो एलीमेंट कोडमेन दे जेड़े पकड़ जाए किहड़े पकड़ जाए बोलो रेंज तो उही ना रेंज साड़ी जिहड़ी रेंज है साड़ी हद च है ठीक है वो वन टू थ्री असी साड़ी यही पकड़ चाहे फोर फाइव सिक्स का नो अं पकड़ ही नहीं सके ओके वो साड़ी रेंज नहीं है। ओके हुण देखो जिहड़ी रेंज है वन टू थ्री तो क्लीयरली ए सबसेट ऑफ बी है
The what is B? B क्या बोलो जी? Code mean है. बच्चों हुण तुहानू लग गया पता कि function एक clear है भी relation function एक relation ही हुंदा पर सारे relation function नहीं बनते. बच्चों उना relation ने function बनना I am repeating ठीक है once again भी ओही relation function बनेंगे जिस relation च बच्चों दो खास गल्लां होनियां केड़ियां एक ईचनेस थानू पता क्या है ते प्लस दूजा क्या बोलो जी यूनिकनेस जा रखियो बच्चों रिलेशन तो लिख लो नोट कर लो बच्चों है सदा वास्ते रिलेशन प्लस ईचनेस प्लस यूनिकनेस इट इज इक्वल टू ए फंक्शन ठीक है ते फंक्शन दी बच्चों अपनी डोमेन होंगी एक होंगी को डोमेन ते एक होंगी बच्चों रेंज तो रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ को डोमेन. हाँ जी बच्चों हुणे कुछ क्वेश्चन देखने लगे आपां ये सिंपल क्वेश्चन है पर अंडरस्टैंडिंग वाले है एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस बच्चों ये कुछ देते हैं रिलेशंस उन्होंने ठीक है गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस वेदर इट इज ए फंक्शन और नोट. हुण देखो पता गल क्या आपां नाल दे देवांगे रीजन ठीक है असली गल क्या है कहिंदा दसो एंड स्टेट गिविंग रीजंस एंड स्टेट गिविंग रीजन ठीक है. हुण है क्या है भी ये बच्चों अपने को रिलेशन है ठीक है असी दसना भी ये फंक्शन है या नहीं है. हुण देखो पता क्या थानू पता भी फंक्शन कदों हुंदा असी रिलेशन दे नाल दो गल्लां जुड़ जाण प्लस ईचनेस ईचनेस प्लस नाल क्या बोलो जी यूनिकनेस ये थानू पता इस गल दा तां बच्चों बनना कि अपना क्या जी फंक्शन ठीक है तां बच्चों ये बनना फंक्शन क्लियर है ये गल पक्की है सानू इस गल दा पता. हुण एक्चुअली पता क्या है जिदा दिता हुंदा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कुछ सेट दिता हुंदा तां आपां चेक करनी सी ईचनेस ठीक है. हुण क्योंकि इत्थे दे गया पहले पेयर तो असी ये बाय डिफॉल्ट मान लेना भी वह ईचनेस है ही है उहदे च ठीक है. हुण आपां गल इक्को चेक करनी बच्चों वह है यूनिकनेस. हुण देखो ध्यान नाल भी इस केस टू का एलीमेंट किन्ना आ रहा इमेज किन्ना आ रहा वन बच्चों थ्री का इमेज किन्ना आ रहा वन ओके क्लीयर बच्चों फोर का इमेज किन्ना आ रहा वह आ रहा टू ठीक है. इहदा मतलब यह होया देखो असी यह चैक नहीं करना इस केस क्यों नहीं चैक करना क्योंकि इत्थे सानू कोई यह नहीं किया उन्हें भी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है सानू ए दित्या ए दिख गया नहीं सानू इत्थे ए पता ही नहीं कुछ भी है ओके तो असी यह मन के चलना बाय डिफॉल्ट भी ईच जिन्हें भी एलीमेंट है उन्हें सारा का इमेज दे गया ठीक है. तो सिर्फ गल बच्चों इत्थे इक्को चैक करनी यूनिकनेस. हुण देखो भी टू का इमेज वन थ्री का बच्चों इमेज वन तो फोर का टू किसी भी एलीमेंट का इमेज बच्चों क्या बोलो जी रिपीट नहीं हो रहा क्लीयर ठीक है. मतलब किसी भी एलीमेंट के दो इमेज नहीं है दो इमेज नहीं है जे किसी एलीमेंट के दो इमेज नहीं है तो इतने मतलब यह है कि हरेक का इमेज यूनीक है क्या है यूनीक तो इहदा मतलब बच्चों ये होया मीनिंग भी ये रिलेशन बच्चों क्या है फंक्शन है क्लीयर ठीक है. अगे देखो बच्चों इधर देखो ध्यान नाल भी टू का इमेज कितना बोलो जी टू बिल्कुल अच्छा टू का बच्चों इमेज कितना फोर भी है ओके क्लीयर. हुण देखो बच्चों अगे थ्री का इमेज किन्ना जी थ्री अगे बच्चों फोर का इमेज किन्ना फोर का इमेज बच्चों वह भी किन्ना जी फोर है. हुण देखो बच्चों बाकी ठीक है ये देखो इस टू दे दो इमेज आ गए दो इमेज एक गल का याद रखियो बच्चों पता क्या वन मैनी वन तो हो सकते मैनी वन हो सकते मतलब कई एक पर वन मैनी नहीं हो सकता जे वन मैनी आ गया ना मतलब कई एक इमेज का हो सकता क्लीयर है पर एक दे कई सारे इमेज नहीं हो सकते मतलब मैनी वन तो पॉसीबल है पर वन मैनी पॉसीबल नहीं है. हुण इस केस बच्चों एक एलीमेंट है तो उहदे दो दो इमेज आ रहे हैं इहदा मतलब बच्चों ए रिलेशन फंक्शन नहीं है ए रिलेशन तो है पर इट इज़ नॉट ए फंक्शन क्लीयर ठीक है. अगे बच्चों देखो इस केस क्या है वन का इमेज बच्चों टू ठीक है टू का बच्चों इमेज कितना जी थ्री बच्चों थ्री का इमेज कितना जी फोर बच्चों फोर का इमेज कितना जी फाइव बच्चों फाइव का इमेज कितना जी सिक्स बच्चों सिक्स का इमेज कितना जी सैवन. हुण देखो हरेक एलीमेंट का इमेज क्या बोलो जी यूनीक है किसी भी एलीमेंट के बच्चों दो दो इमेज नहीं आ रहे दो दो इमेज नहीं आ रहे इहदा मतलब बच्चों हो गया भी ए रिलेशन फंक्शन हैगा. देखो बड़ी सिंपल जी गल है भी जदों थोड़ा पहला कंपोनेंट बच्चों किसी भी पेयर च रिपीट कर जाए ना रिलेशन च तो यह सोच लो वह कभी भी फंक्शन नहीं बनता. ए फंक्शन हैगा
ए फंक्शन नहीं है तो ए फंक्शन हैगा, ठीक है बता। हाँ जी बच्चों, ए फंक्शन हैगा, इट इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन। हाँ जी बच्चों, ए इट इज आल्सो ए फंक्शन, ए फंक्शन है, ठीक है हुण तुहानू लग गया पता। ठीक है बच्चों, मैं आस करदा कि तुहानू मेरा लैक्चर समझ आ गया होना। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे बच्चों।